नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फॉलोइंग हैज डेटा हैज बीन एक्सट्रैक्टेड इन द बुक्स ऑफ अल्फा लिमिटेड, अप्रैल 2004 का आपके सामने सम होगा, ईयर आपको दिया है 2002 एंड 2003, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लियरली मेंशन है, सेल्स दिया है, प्रॉफिट दिया है। अगर मैं डेटा नहीं भी बनाओ तो आप डायरेक्टली कर सकते हो माइनस, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या निकालेंगे, पीवी रेशियो। आप अपना टाइम जितना बचा सकते हैं बचाने की कोशिश कीजिए। पीवी रेशियो सबसे पहले क्लियर करो, दो साल का डेटा दिया, दो साल का सेल्स, दो साल का प्रॉफिट दिया है। सो पीवी रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा चेंजेस इन प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन चेंजेस इन सेल्स इनटू 100। चलो फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना दिया है, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 50 और सेकेंड ईयर का 1 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 लाख माइनस 50। सो बेटा आंसर क्या आएगा, 50। फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना है, 5 लाख, एंड सेकेंड ईयर का 7 लाख 50। तो 7 लाख 50 थाउजेंड माइनस 5 लाख्स कितना आएगा, 2 लाख 50 इंटू 100। सो आपका पीवी रेशियो कितना है, देखो 20%। डिफिकल्टी सिंपल, दो साल का प्रॉफिट, दो साल का सेल्स, सीधा क्या करना है, सेकेंड ईयर में से फर्स्ट ईयर माइनस कर दो, दैट्स इट, आपका प्रॉफिट और सेल्स मिल जाएगा। अच्छा, इसके आगे कुछ भी निकालने बोले डजंट मैटर, आपको पहले क्या करना है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाना है। अब कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दो साल का डेटा दिया है, एक दिया 2002 और दूसरा दिया 2003। ओके, सबसे पहले क्या लिखोगे, सेल्स। 2002 का सेल्स कितना जाए चेक करो, और 2003 का 7 लाख 50 थाउजेंड। तकलीफ, माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। चेक करो जरा, आपके क्वेश्चन में कहीं पर फिक्स कॉस्ट निकालने बोला था क्या, नहीं। आपको समझ में आ गया मैं कैसे करने वाला हूं, जैसे मैंने पिछले समय बताया था, आपका कंट्रीब्यूशन के सामने आप क्या लिखोगे, 20%। सर ये 20 कहां से आया, आपका पीवी रेशियो, आपका पीवी रेशियो वही मेरा कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज बन जाएगा। तो 5 लाख का 20% कितना होता है, 1 लाख। 7 लाख 50 का 20% कितना होता है, 1 लाख 50। क्या मेरे क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, यस 50,000 एंड 1 लाख। तकलीफ, 5 लाख में से 1 लाख गया कितना आएगा, 4 लाख्स। 7 लाख 50 में से 1 लाख गया, 50 गया तो क्या चल गया, 6 लाख। 1 लाख माइनस 50,000। 1 लाख 50 माइनस 1 लाख, दैट्स इट, कॉस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट। क्या मुझे इसमें से एक भी आइटम निकालने बोला था, एक भी आइटम सेल्स वेरिएबल कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट निकालने बोला था क्या, नहीं। अब मैं कैलकुलेशन करने वाला नहीं हूं, समझा, वापस बोल रहा हूं, आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेशंस करना है। सेल्स एज इट इज ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, ये प्रॉफिट में दिया हुआ है, हमने क्या किया कॉन्ट्रीब्यूशन जो पीवी है उसको उठा के कॉन्ट्रीब्यूशन में डाला, तो 5 लाख का 21 लाख, 7 लाख 50 का 21 लाख 50, डिफरेंस हो गया वेरिएबल, डिफरेंस हो गया वेरिएबल, 1 लाख और 50 का डिफरेंस 50, 1 लाख 50 और 1 लाख का डिफरेंस 50, आपका फिक्स कॉस्ट क्या है, सेम है, मतलब अपना आंसर राइट जा रहा है। सेकेंड क्या निकालना बोला, देखो फिक्स कॉस्ट आ गया ना आपके क्वेश्चन में, फिक्स कॉस्ट कितना है, 50,000। अरे आ गया, ये आपका सेकेंड वाला हो गया, क्लियर। कैसे आ रहा है वो अपने डायरेक्टली ऊपर कॉस्ट स्ट्रक्चर बनाया तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया। थर्ड क्या निकालने बोला है, ब्रेक इवन सेल्स। तो थर्ड ब्रेक इवन सेल्स फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी, आपका फिक्स कॉस्ट कितना है, 50,000, आपका पीवी रेशियो 20%, कैन वी से 2 लाख 50,000,
That's it. Yes. Next one. Fourth. पहला वर्ड क्या दिया है? प्रॉफिट. तो आपको क्या निकालना है? रिक्वायर्ड प्रॉफिट. फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स कॉस्ट. तकलीफ? यस ऑर नो? तो आपको रिक्वायर्ड सेल्स दिया है क्या? हाँ. कितना? पीवी रेशियो आपको दिया है क्या? फिक्स कॉस्ट दिया है क्या? 50,000. That's it. 40 का 20% 80. 80 minus 50. So answer is. Next क्या निकालने बोला? देखो. Sales to earn a profit of 1,25,000. तो बेटा required sales. Formula. Fixed cost plus required profit upon पीवी रेशियो. चलो, व्हाट इज अ फिक्स कॉस्ट? 50,000. व्हाट इज अ रिक्वायर्ड प्रॉफिट? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. 1,25,000 एंड पीवी रेशियो 20%. डायरेक्टली 8,75,000. कुछ बोला है क्वेश्चन में निकालने? और नहीं. दैट्स इट. एंड ऑफ योर क्वेश्चन. अंडरस्टूड? सेम टाइप की सम वैसे ही कंटिन्यू हो रहे हैं.